नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो महाराष्ट्र की एक फेमस डिश है और जो बेसन से बनाई जाती है, उसका नाम है पाटवड़ी रसा। जी हाँ मित्रों, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। पाटवड़ी रसा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा कटोरी बेसन, जैसे कि आप देख रहे हैं कटोरी का साइज, एक बड़े आकार का टमाटर जिसे बारीक काट लिया है, 5 से 7 हरी मिर्च जिसे बारीक काट लिया है, कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ जिसे भी मैंने बारीक काट ली है, एक अदरक का टुकड़ा, इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 लहसुन की बड़ी गांठ ली है जिसे कि मैंने छील लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक, 1 मध्यम आकार का प्याज जिसे मसाले के लिए मोटा मोटा काटा है और 1 मध्यम आकार का टमाटर। उसके बाद हमने एक और प्याज को बारीक काट लिया है जो पाटवड़ी बनाने के लिए प्रयुक्त होगा। चलिए अब हम पाटवड़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल लेंगे और उसे गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है, हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा तड़क गया है, अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। सुनहरा होने तक भून लेते हैं। अब इसमें हम 1/2 अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमने जो अदरक और लहसुन लिया था उसका बारीक पेस्ट बना लिया है, जिसमें से हमने 1/2 पेस्ट बचा के रख दिया है और 1/2 हम पाटवड़ी बनाने के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे सुनहरा होने तक, और जो हमने हल्दी ली थी उसमें से हम 1/2 हल्दी इसमें डालेंगे। धनिया पाउडर डाल देंगे हम 1/2। इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक डाल के हम इसे भून रहे हैं। अब इसे 2-3 मिनट तक ढक के रख देते हैं। ये देखिए, टमाटर अब हमारे लगभग गल गए हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। ये देखिए, टमाटर हमारे गल चुके हैं। ठीक ऐसे ही बेसन डालना है मित्रों। मैं बहुत जल्दी जल्दी डाल रही हूँ, इसलिए आप ठीक से आपको मैं ये नहीं दिखा पाई हूँ, कहीं ये जल ना जाए करके। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हुए मसाले में हम इसे भूनेंगे, और ठीक ऐसा ही होना चाहिए, और बेसन बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बेसन लेकर हम डालेंगे और धीरे 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 इसे भूनते जाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा बेसन डाल दिया है और इसे मैं धीरे धीरे भून रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। बेसन कुछ टाइट हो रहा है। अब हम इसमें पकने के लिए पानी के छींटे देंगे, ठीक ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं। बेसन जैसे जैसे हमारा टाइट होते जा रहा है, वैसे वैसे हमें इसमें पानी के छींटे मार के इसको हमें पकाना है। एक यह महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह बेसन पक चुका है। तो मित्रों, जो इसके कच्चेपन की स्मेल है, जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो यह स्मेल चली जाएगी और बेसन का कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सुनहरा टाइप का हो जाएगा। पानी के छींटे देकर इसको 2-3 मिनट के लिए यहाँ मैंने ढक दिया है। थोड़ा सा बफाने के बाद मैं फिर इसे चम्मच से पलट रही हूँ। देखिए, अब पानी डालने से इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई है, तो ये अच्छे से जम सकता है।
ये देखिए। और मित्रों इसे हमें लगातार चलाते रहना है, इसे बिल्कुल भी लगने नहीं देना है। अगर ये थोड़ा भी जलेगा तो हमारी पाटवड़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बेसन भुना गया है और ये तैयार हो चुका है पूरी तरह से। अब हम इसे चलिए जमाते हैं। एक थाली में मैंने तेल लगा लिया है, आप चाहे घी तेल जो भी प्रयुक्त करना चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद सारा गरम गरम बेसन निकाल के मैं इसमें जमा रही हूँ। एकदम गरम बेसन में तो आप हाथ नहीं लगा पाएंगे, इसलिए थोड़ा हल्का ठंडा कर लीजिएगा। देखिए ठीक ऐसे ही इसको जमाना है दबा दबा के, और ऊपर से हम इसमें हरी धनिया की कुछ पत्तियाँ डालेंगे और फिर उसे भी हाथों से इसी तरह से दबाना है। ठीक ऐसे ही जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए ये हमारे पाटवड़ी का बेसन तैयार हो गया है। अब हम इसे एक घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। वैसे तो ये 15-20 मिनट में ही ठंडा हो जाता है, लेकिन एक घंटे में बहुत ही अच्छी तरह से ये जम जाएगा मित्रों। अब हम यहाँ पाटवड़ी के लिए रसा बनाने की तैयारी करते हैं। ये जो हमारा मसाला बना हुआ है मित्रों, देख सकते हैं यहाँ ये जो कटा हुआ प्याज, मोटा कटा प्याज रखा था, और हरी मिर्च और टमाटर, इन तीनों को मैं पीस रही हूँ। अदरक लहसुन का पीस तो हमारा वैसे भी आधा बचा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, साथ ही कुछ दाने काली मिर्च के जैसे कि आप देख रहे हैं, और थोड़ी सी खसखस। इसका हम एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए पेस्ट ये तैयार हो गया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हमारे मसाले पूरे जो भी हैं, और ये पेस्ट का पानी। कढ़ाई में हम यहाँ फिर एक चम्मच बड़ा तेल ले लेते हैं और प्याज को उसमें डाल के भून लेते हैं। हाँ प्याज को बहुत थोड़ा ही भूनना है मित्रों, उसका कलर बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें मसाला डाल देते हैं और फिर इसे अच्छी तरह से भूनते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ये देखिए भुनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं अब हम, और फिर इसे भूनते हैं। बची हुई हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर डाल देते हैं, स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। और हमारा जो मसाले का पानी बचा हुआ है उसे डाल देते हैं। ये देखिए मित्रों कितना बढ़िया हमारे मसाले का कलर आया है और ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें रसा बनाने के लिए पानी ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पर लगभग 2 कटोरी पानी डाला है, आप देख सकते हैं। हमें कुछ इस तरह का अंदाज लेना है कि जब हम इस रसे में पाटवड़ी डुबाएं तो पानी पूरा सूखना नहीं चाहिए, और जो हमारा रस है, जो हमारा मसाले का ये जो पानी है, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए। ये देखिए ये हमारा पाटवड़ी रसा बिल्कुल तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब यहाँ हमारी पाटवड़ी जम गई है, हम इसे काटते हैं। चलिए इसे आप अपने मन चाहे किसी भी आकार से काट सकते हैं। मैं यहाँ इसे चौकोर आकार से काट रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं।
चाकू की सहायता से धीरे धीरे इस पे कट बनाते हुए इसे बहुत ही धीरे से निकालना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे निकालना होगा, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से जम गई है और बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। मित्रों एक परफेक्ट पाटवड़ी ठीक इसी तरह से बननी चाहिए। धीरे धीरे करके मैंने ये सारे पीसेस इसमें से निकाल लिए हैं। ये देखिए ये हमारी पाटवड़ी बनके तैयार है। यहाँ हमारा रसा भी तैयार हो चुका है। मैं इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मित्रों यहाँ मैंने पूरा रसा एक बाउल में निकाल लिया है। इसे मैं कुछ हरे धनिया की पत्तियों से सजा देती हूँ, गार्निशिंग कर देती हूँ। अब एक कटोरी में पाटवड़ी और रसा हमें इस तरह से सर्व करना है। पहले हम थोड़ा रसा डालेंगे कटोरी में, और अब इस गर्म रसे में हम पाटवड़ी के पीसेस डालेंगे। कम से कम 2 पीसेस इसमें डालना ही है। और मित्रों ये रसा जो है वो गर्म ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इस पाटवड़ी के पीसेस को हम कढ़ाई में नहीं डाल के रखेंगे, जब हम इसे सर्व करेंगे तभी हमें डालना है रसे में। तो मित्रों हमारी स्वादिष्ट लाजवाब पाटवड़ी रसा रेसिपी बनके तैयार है। इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।